यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मीरा। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम भाग्य लक्ष्मी में। इस दीपावली पर क्या कहते हैं आपके सितारे, आपकी किस्मत में क्या छिपे हैं राज, मैं बताऊंगी ज्योतिष अनुसार क्या कहती है आपकी ग्रह चाल। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपको बताऊंगी इस दीपावली क्या है खास। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और अंकों के माध्यम से बताऊंगी आपके ग्रहों का हाल। 12 राशियों के लिए भाग्य लक्ष्मी क्या तोहफा लेकर आई है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी इस वर्ष दीपावली पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है। दीपावली का संस्कृत अर्थ है अंधेरे पर उजाले की विजय। यूं तो दीपावली मनाने की कई सी धारणाएं हैं, लेकिन सबसे खास मनाया जाता है माँ लक्ष्मी का आगमन। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस रात्रि में माँ लक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है और जो जो घर पूरी तरह से स्वच्छ सुसज्जित और प्रकाशयुक्त होते हैं माँ अंश रूप में ठहर जाती है। इस वर्ष दीपावली पूजन का शुभ समय है शाम 5:28 से लेकर 7:24 का। लक्ष्मी गणेश, इंद्र देवता, विष्णु भगवान, कुबेर देवता, श्री यंत्र, तुलसी जी और नवग्रह की खास पूजा की जाती है दीपावली पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि चलती ग्रह स्थिति के अनुसार और आने वाली ग्रह चाल के अनुसार आपके जीवन में धन और व्यवसाय का काम का क्या हाल रहने वाला है। साथ ही बताऊंगी सरल से उपाय जिनको अपनाकर होगा आपका भाग्योदय और आपके जीवन में होगी लक्ष्मी वृद्धि। सबसे पहले बात मेष राशि की। आने वाले समय में गुरु ग्रह आपके आय स्थान पर आ जाएंगे, यानी आपकी आय इनकम प्रॉफिट पहले से बेहतर होगा। आय कमाने के नए रास्ते भी खुलेंगे, पुराने निवेश से फायदा होगा। शनि आपके दशम भाव पर बताते हैं काम में लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी या थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है। राहु का धन स्थान पर गोचर इशारा कर रहा है ज्यादा सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। पैसा आएगा तो सही लेकिन पैसा फंस सकता है या पैसा ज्यादा खर्च होगा। जायदाद का बंटवारा भी हो सकता है। दीपावली पर आपने अपने राशि स्वामी मंगल की दिशा जो है साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना है और उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करनी है। जीवन में इससे होगा धन लाभ एवं शुभ फल मिलेगा। आपके भाग्य की दिशा है आपकी राशि के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दीपावली पर पूरी रात इस दिशा में घी का दीपक जलाएं होगा आपका भाग्योदय। वृषभ राशि, आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है जो बताता है मन रहेगा आपका परेशान। आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है, काम में कोई ब्लेम लग सकता है आपके ऊपर, बिजनेस में पार्टनरशिप टूट सकती है या झगड़ा हो सकता है इसलिए पार्टनरशिप अवॉइड करें। घर या दफ्तर में चोरी भी हो सकती है इसलिए आपने सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी है। अप्रैल 2021 के बाद नई जॉब मिल सकती है, दफ्तर में भी कोऑपरेशन बढ़ेगा, माहौल दफ्तर का बेहतर होगा, आपका काम भी बढ़ेगा, नया दफ्तर या घर भी कुछ लोग ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा, यानी कोई अटकी हुई प्रॉपर्टी आपकी तो उसकी सेल हो सकती है। आपके भाग्य की दिशा है पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में आपने दीपावली की रात को तिल के तेल का दिया जलाना है, पूरी रात जलाए रखना है, होगा आपका भाग्योदय। साथ ही आपने तुलसी के पौधे को जल अर्पण करना है दीपावली की रात को एवं घी का दीपक तुलसी के नीचे जलाना है। लक्ष्मी जी की पूजा में तुलसी को आपने तुलसी के पत्तों को अर्पण करना है या तुलसी की माला उन्हें पहना सकते हैं, इससे होगी आपके धन में वृद्धि। बारी आती है मिथुन राशि की। आपकी ग्रह स्थिति बताती है लिया हुआ या दिया हुआ कर्ज चिंता का कारण बन सकता है। अनावश्यक और अत्यधिक खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। नुकसान से भी बचे धन के लेन देन में एवं काम में व्यवसाय में कार्यों में बरते अधिक सतर्कता। बिजनेस में आपके सामान को नुकसान पहुंच सकता है, एहतियात बरते यानी किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसे से आपने बचना है।
पुश्तैनी जायदाद या बिजनेस में बंटवारा हो सकता है। गुरु ग्रह अगले वर्ष आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, यानी तब भाग्य देगा आपका साथ। लीगल मैटर्स में होगा आपका फेवर, रुके हुए काम तब आपके बनने लगेंगे, पेमेंट्स रुकी हुई मिल जाएंगी और भाग्य की आपकी जो दिशा है वो है वेस्ट दिशा यानी पश्चिम दिशा। तो आपने दीपावली की रात को पश्चिम दिशा में दिया जलाना है। साथ ही धन की दिशा है आपकी राशि के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस दिशा में भी आप एक अखंड दिया जलाएं, आपके लिए भाग्योदय के लिए और लक्ष्मी वृद्धि के लिए सहायक होगा। साथ ही एक सरल सा उपाय आपको और बताती हूँ कि पूजा करते समय आप हल्दी की गांठ को पूजा में रखें लक्ष्मी पूजन के समय, और पूजा के पश्चात उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपनी जो भी तिजोरी है या पैसे की ड्रॉअर है या अलमीरा है उसमें रख दें। इससे आपकी लक्ष्मी वृद्धि में सहायता मिलेगी, धन लाभ होगा। और रोज आपने गाय को चारा खिलाना है, रोटी खिलानी है या कुछ भी जो भी खाने की चीजें उसे खिलाएं, आपके जीवन में मिलेगा आपको शुभ फल। धन्यवाद मीरा। मैं हूं नंदिता पांडे और आज आपको बताने जा रही हूं टैरो कार्ड्स के द्वारा कैसा रहेगा आपका भविष्य। दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व पराशक्ति के रूप माता महालक्ष्मी के पूजन का विशेष त्योहार है। टैरो की दुनिया भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत दुनिया है एवं इसकी मुख्य शक्ति का संचार डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी पराशक्ति ही करती है। हर कार्ड ब्रह्मांड में स्थित ऊर्जा का संचार करता है, जैसे ईश्वर की वाणी बतला रहा है। हाई प्रेस्टेज अगर डिवाइन फेमिनिन यानी पराशक्ति का कारक है तो हर्मिट कार्ड गुरु ग्रह को दर्शाता है। सन कार्ड है सूर्य की ऊर्जा रखता है तो मून कार्ड चंद्र को दर्शाता है, और वहीं देखें तो एम्प्रेस कार्ड जो होता है वो शुक्र को दर्शाता है। तो आइए टैरो की दुनिया में आपके भविष्य में झांकें कि इस दीपावली आपके प्रेम संबंध के बारे में या आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आपके धन सुख समृद्धि में कैसी रहेंगी स्थितियां। इसी के साथ हर राशि के अनुरूप आपको इस दीपावली किए जाने वाले कुछ अचूक विशेष उपाय भी बताऊंगी। आपको ये भी बता दें कि ये जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं ये आपके सन साइंस पे आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आपके लिए आपका लव कार्ड कैसा क्या बोल रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में क्या होगा और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक साझेदारी में कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता अवश्य हासिल करेंगे, लेकिन एक कहीं पे थोड़ी सी खलिश रहेगी जो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी मेहनत अधिक करेंगे तभी जा करके कुछ आर्थिक सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। लेकिन प्रेम संबंध में इस समय सुकून रहेगा, लेकिन किन्हीं दो एक विशेष निर्णय को लेकर के आपके अंदर थोड़ा असमंजस की स्थितियाँ बन सकती हैं। दिल की आवाज़ सुने, आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। उपाय मेष राशि वाले क्या कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए बहुत अचूक उपाय है कि आपने क्या करना है, 5 कौड़ी लेनी है और 5 गोमती चक्र लेने हैं। साथ में एक डिब्बी में थोड़ी सी काली हल्दी की गांठ और सिंदूर डालना है। इसको धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक आपने माता महालक्ष्मी के समक्ष और कुबेर देव के समक्ष रखना है और रोज पूजन करना है ओम श्रीम श्रिय नमः का। जब आप इसका 108 माला रोज करेंगे तो भैया दूज के दिन इस डिब्बी को आपने एक लाल कपड़े में बांध करके अपने सेफ में रखना है। आप देखेंगे आने वाले साल भर में आपके घर पे सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। जो मेहनत आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आपके आर्थिक स्थिति में दिखती है वो सुधरती जाएगी और सुख समृद्धि घर पे आएगी। चर्चा कर लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि और आपके लिए देखें आपके लिए कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध में, आपके कार्य क्षेत्र में और आर्थिक मामलों में। आर्थिक मामलों में जबरदस्त उछाल रहेगा और आपको किसी प्रॉपर्टी से भी फायदे हो सकते हैं। इस वक्त में बहुत सुंदर आपके लिए स्थितियां बन रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान संबंधित कष्ट भी सामने आ सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है इस समय, और उसी के साथ साथ प्रेम संबंध में हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का मन बनाएं। आपके लिए क्या उपाय रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए खास उपाय है कि कन्याओं के आश्रम में जो नीडी कन्याएं होती हैं, जरूरतमंद कन्याएं होती हैं, जैसे कि कन्याओं का जो आश्रम होता है ऑर्फेनेज होता है,
वहाँ पे आप किसी भी तरह के किताब पुस्तक आदि का अगर दान करते हैं बहुत उत्तम रहता है। खान पान का भी दान कर सकते हैं या किसी भी कन्या की पढ़ाई को अगर आप स्पॉन्सर कर लेते हैं साल भर के लिए, वर्ष भर के लिए, तो आपके लिए अत्यंत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। गणपति देव का आशीर्वाद रहेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। अगली राशि मिथुन राशि, चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में, देखें आपके लिए क्या रहेगा। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है, वाणी में मिठास लेकर के आए ताकि आपके सहयोगियों के साथ आपका कार्य आराम से हो जाए, प्रोजेक्ट्स आराम से पूर्ण हो जाए। वहीं पे देखा जाए तो आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी कुछ यहाँ पे टीम एफर्ट के साथ काम करेंगे और आपके लिए यहाँ पे कोई अच्छा शुभ समाचार या शुभ संयोग भी बनता जाएगा। लेकिन घर से संबंधित विशेषकर इस समय लगभग एक सप्ताह तक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यय होते दिखाई देते हैं, उसके बाद सफलताएँ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्रेम संबंध की बात करें तो अहम के टकराव से इस समय आपको बचना चाहिए, अन्यथा कष्टकारी स्थितियाँ हो सकती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है। आपको इस समय नज़र काफ़ी लग रही है, बहुत शारीरिक कमजोरी भी रहेगी, तो आपने क्या करना है, नज़र उतारने के लिए फिटकरी का उतारा अपने घर के सभी सदस्यों का करें। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपनी लेफ्ट साइड से अपनी राइट साइड की तरफ घुमाते हुए आपने फिटकरी को घुमाना है, अपने घर के सभी सदस्यों को घुमाना है और इसको बाहर किसी कूड़ेदान में फेंक देना है, तो ये उत्तम रहेगा। दूसरा आपने उपाय करना है कि आपने गंगा जल लेना है और उसको एक लोटे में लेके रखें या किसी चांदी के कलश में लेके रखें, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दें और अशोक के पत्ते से, ये धनतेरस से लेकर के गंगा जल आपने रखना है भैया दूज तक का, और भैया दूज वाले दिन इससे अशोक के पत्ते से पूरे घर पे इस गंगा जल को छिड़केंगे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर पे होगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आने वाले समय में, आपका कार्य क्षेत्र और आर्थिक स्थितियाँ, आर्थिक मामलों में आपको कहीं से मदद मिलेगी, बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी, यहाँ पे प्रबल संयोग बन रहे हैं। लेकिन पारिवारिक स्थितियों में मनमुटाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, परेशानियाँ आपके लिए आ सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भावनात्मक तौर पर कुछ कष्टकारी स्थितियाँ हो सकती हैं जिस वजह से आपको बेचैनी बढ़ेगी या व्याकुलता रहेगी और कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा एकाग्रचित होकर इस तरफ कार्य करेंगे और स्ट्रांग निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध की बात करूं तो अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की बात आप सोच सकते हैं या प्लानिंग्स बना सकते हैं जो काफ़ी अच्छी मधुर स्मृतियों का संगम लेके आएगी। कर्क राशि वालों के लिए विशेष उपाय क्या रहेगा, तो आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है कि आपने हरी मूंग की दाल एक मुट्ठी जैसे है उसे भिगा लेना है और उसके बाद उसको गाय को खिलाना है गुड़ के साथ। तो जब आप गुड़ के साथ मूंग की दाल गाय को खिलाते हैं तो आपका शुक्र प्रबल होता जाता है और उसी के साथ साथ आपका सूर्य भी और आपका बुध भी यहाँ पे बैलेंस होता जाता है और किसी भी प्रकार की समस्याएँ जो आपकी दिख रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मनीषा जी बताएंगी बाकी बचे अंकों का हाल। नौ अंक, नौ ग्रह, नौ देवियां, नौ इमोशंस, नौ निधियां, सब कुछ है इस एक से नौ के सफर में। दिवाली का मौका है, नौ अंकों की बात करेंगे तो नौ ग्रहों की बात कैसे ना करें। मैं हूं अंकशास्त्री मनीषा कौशिक और जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं आपके मूलांक के बारे में बात करने वाली हूं। खास उपाय इस दिवाली आपको क्या करना चाहिए ये बताने वाली हूं। सबसे पहले बात करें पूजा की। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने ये नौ ग्रह हमारी पूजा में यूज करते हुए हर वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं। मिट्टी का ताल्लुक है शुक्र से, पर उसी मिट्टी से जब दिया बन जाता है तो वो बुध ग्रह को दर्शाता है। कॉटन की यानी कि रुई की बाती, साथ में पंचामृत जो है वो शुक्र ग्रह का प्रतीक है। दिए की जो लौ है वो फायर एलिमेंट है जो सूर्य को दर्शाता है, लेकिन उससे जो हीट निकलती है वो मंगल ग्रह को दर्शाती है। सरसों का तेल, धूप, अगरबत्ती शनि के प्रतीक हैं। गंगा जल चंद्रमा का। तांबे का जो लोटा आपने मंदिर में रखा है ना वो मंगल ग्रह का प्रतीक है और उसमें भरा जल चंद्रमा का। धार्मिक पुस्तक के बिना ना तो कोई व्रत हुआ है ना त्योहार, तो वो बुध ग्रह या क्योंकि पेपर प्रिंटिंग जो है वो बुध ग्रह को दर्शाती है और जो उससे ज्ञान अर्जित होता है वो गुरु को दर्शाती है। पूजा में रखे फ्रूट्स जो हैं, फल जो हैं, वो शुक्र को दर्शाते हैं,
जबकि मिठाई लाल मौली तिलक मंगल ग्रह को दर्शाती है। ज्ञान की रोशनी धार्मिक कार्यक्रम गुरु के साथ जुड़ा है, ये एनलाइटनमेंट देता है। जानती हूँ कि आप अपने मूलांक का इंतजार कर रहे थे, तो चलिए नंबर एक से शुरुआत करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1 और आपके रूलर है प्लैनेट सन यानी कि सूर्य। एलिमेंट है फायर। आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी हैं आप, तो क्यों ना कोशिश की जाए कि उन गुणों का इस्तेमाल करके कि पूजा समय पर शुरू हो। इस दिवाली पूजन में आपको क्या जिम्मेदारी लेनी है कि पूजा की तैयारी में सब हो, अपनी चेकलिस्ट को दोबारा चेक कर लीजिएगा। अपने नंबर को एक्टिवेट कैसे करें, इस एलिमेंट फायर को एक्टिवेट कैसे करें, कोशिश कीजिए कि घर में जितने भी दिए हों वो आप खुद जलाएं। स्पेशल उपाय क्या है आपके लिए, नंबर वन वाले लोगों के लिए जो स्पेशल उपाय है ये कि पहला दिया जो मैंने बताया कि 4-4 का लॉट आपको लगाना है, तो जो पहले दिए का लॉट है उसे किचन में लगाएं। हर दिए में 1 लौंग और कुछ अक्षत के दाने यानी कुछ चावल के दाने जरूर डालें। कोशिश कीजिए कि वो चावल के दाने कहीं टूटे ना हो। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि पूजा करते वक्त एक बर्तन में गेहूं भर के रख लें। अगले दिन उस गेहूं को कुछ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रख लें किचन में और बाकी जो है वो गरीबों में दान दे दें। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 2 और आपको रूल करते हैं प्लैनेट मून यानी कि चंद्रमा। आपका एलिमेंट है वाटर। मन की शांति आपका नेचुरल एट्रीब्यूट है। कोई भी वहम मन में ना आने दें। कोशिश कीजिए कि ना खुद के दिल में ना जो और लोग आपसे जुड़े हैं वो किसी भी विचार का वहम जो है वो अपने दिल में इस दिन बिल्कुल भी ना लाएं। पूजा में आपको क्या जिम्मेदारी उठानी है, नंबर 1 वालों ने कोशिश की कि इस पूजा जो है वो समय पर शुरू हो, लेकिन आपको ये श्योर करना है कि सब सिस्टमैटिक तरीके से चले। कुछ भूल गए तो पूजा के बीच में उठना भी पड़े तो आप अपने गुरुओं से इजाजत लेकर उठें। अपने मूलांक को एक्टिवेट कैसे करें, इस नंबर 2 का प्रयोग कैसे करें, पूजा स्थान पर पूजा शुरू होने से पहले गंगा जल का छींटा आप दें, अपने हाथ से दें। इस दिन उपाय क्या करें, तो 2 उपाय आपके लिए बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहला, पूजा में एक कलश में जल भरकर उस पर स्वास्तिक बनाकर कुछ आम के पत्ते रखें। पूजा संपन्न होने के बाद इस जल का छींटा अपने परिवार वालों पर और साथ ही साथ पूरे घर में दें, हर एक कमरे में दीजिएगा, भूलेगा नहीं। दूसरा उपाय क्या करना है, पूजा में कोशिश कीजिए कि किसी चांदी का बर्तन ले लें। अगर चांदी का बर्तन ना ले सकें तो स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं और उसमें चावल भर के रखें। माँ लक्ष्मी खुशियाँ जो है वो पूरा घर भर देंगी आपका। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 3 और आपको रूल करते हैं प्लैनेट गुरु यानी कि जुपिटर, जिन्हें ज्ञान का स्वामी कहा जाता है। आपके विजडम की तो तारीफ होती है और आपकी नेटवर्किंग स्किल्स की इस दिवाली सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आप सबका दिल जीतना जानते हैं। इस पूजा में आपकी जिम्मेदारी क्या होगी कि दादा दादी नाना नानी या घर के कोई जो भी बड़े क्यों ना हो उनका आशीर्वाद लें। कोशिश कीजिए कि अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को कनेक्ट कर सकें। सबको शुभ दीपावली विश करना मत भूलिएगा, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे। अपने इस नंबर को एक्टिवेट कैसे करें, गुरु जिनसे भी आपने दीक्षा ली है तो उन गुरुओं की फोटो पर तिलक आप खुद लगाएं। गुरुओं को नियमित रूप से माथा टेकने से आपके नंबर 3 की ऊर्जा और बलवान होगी। इस दिन स्पेशल उपाय क्या करें, पूजा में पीले फल, पीले फूल और कौड़ियाँ जरूर रखें। दिवाली पूजन के बाद फल का प्रसाद जो है पूरे परिवार में बांटें और जरूरतमंद को दान देना ना भूलें। कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर बड़ों से आशीर्वाद लेकर अपने लॉकर में रखें। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी। कर्क राशि, आपकी ग्रह स्थिति बताती है काम में आएंगे चेंजेस। कुछ पेमेंट्स अटक सकती हैं या कटौती हो सकती है या फिर कुछ इंसेंटिव्स में आपको कमी मिल सकती है या नहीं मिले। अभी आपको आपकी मेहनत के मुताबिक रिजल्ट्स मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, काम के मुताबिक आपको आय नहीं मिल रही है। आने वाले साल में आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, लेकिन बिजनेस में पार्टनरशिप में हो सकते हैं मतभेद।
निवेश के मामले में भी आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। शेयर्स और गैम्बलिंग से या फिर किसी के बहकावे में आके आपने निवेश बिल्कुल नहीं करना है। आपकी भाग्य की दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्व दिशा। तो दीपावली पर पूरी रात इस दिशा में घी का दीपक जलाएं, होगा आपका भाग्योदय। साथ ही नियमित रूप से पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी गीली मिट्टी से तिलक करें, शीघ्र ही धन की चिंता होगी आपकी दूर। सिंह राशि, राहु का आपके दशम भाव पे यानी व्यवसाय स्थान पर होना बता रहा है कि काम में आपको काफी स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है या काम के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको काफी भारी लग रहे हैं। बिजनेस में है तो आपकी सेल कम हो रही है या फिर प्रॉफिट मार्जिन आपके कम आपको रखने पड़ रहे हैं। वाहन संबंधित प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कत आ सकती है अगर आपने बढ़ती लापरवाही। साथ ही गुरु ग्रह अगले वर्ष आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे यानी अगले वर्ष आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम कुछ बनेंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, जीवन साथी को भी फायदा होगा और दुश्मन की होगी हार। लेकिन कर्ज के लेन देन से आपने दूर ही लेना है, नहीं तो कर्ज चिंता का कारण बन सकता है। आपके भाग्य की दिशा आपके राशि के मुताबिक है दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन। तो दीपावली पर इस दिशा में आपने पूरी रात दिया जरूर जलाना है, होगा आपका भाग्योदय। साथ ही नियमित रूप से रोज आप गंगा जल मिश्रित जल सूर्य को अर्पण करें, अर्ध दे सूर्य को, साथ साथ गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप रोज करें, इससे होगा आपका भाग्योदय, बनेंगे आपके काम, बढ़ेगा आपका मान सम्मान। कन्या राशि, आपकी गृह स्थिति कहती है आप गलत निवेश से बचें, दूर की सोचें और सारे प्रोज एंड कॉन्स पर विचार करें फिर ही कोई फैसला लें। आने वाले साल में दिया या लिया हुआ कर्ज जो भी उसकी चिंता चल रही थी वो कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दुश्मन भी बनेंगे आपके दोस्त, होते खर्चे में किसी ना किसी की मदद आपके काम आने वाली है। धन की स्थिति में अगले साल आएगा सुधार, लेकिन किसी प्रकार के केस से लीगल मैटर से आपने बचना है, उसमें फंस सकते हैं। एहतियात रखें, कोशिश करें ऐसी कि केस की नौबत ही ना आए। आपके भाग्य की और धन की दिशा है आपकी राशि के हिसाब से साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा। तो दीपावली पर इस दिशा में अखंड दीप सारी रात जरूर जलाएं, होगा धन लाभ व भाग्योदय। साथ ही दीपावली पर आपने सफ्टिक का यानी क्रिस्टल का श्रीयंत्र गंगा जल से स्नान कराकर मंदिर में स्थापित करना है। इत्र धूप रोली मोली पुष्प आदि से उसका पूजन करें और छोटी कन्याओं को खीर मिठाई या खील पतासे जरूर खिलाएं। ऐसा सब करेंगे तो धन में आपकी जीवन में वृद्धि होगी, आपकी सहायता होगी। बारी आती है तुला राशि की। आपकी चलती गृह स्थिति बताती है सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही हैं, धन की तंगी या नुकसान झेलना पड़ रहा है या पड़ सकता है अगर अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। धन फंस भी सकता है, पुश्तैनी जायदाद या बिजनेस में बंटवारा हो सकता है। जिस भी मकसद में कामयाबी पाना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको अधिक विचार अधिक प्लानिंग करनी है, अधिक मेहनत करनी है, क्योंकि अचानक से अनसोची दिक्कत आ सकती है। अगले साल अप्रैल के बाद आपकी आय बढ़ेगी, प्रॉफिट्स इंसेंटिव्स भी बढ़ेंगे, सोच समझ के किए गए निवेशों से भी आपको लाभ होगा। घर से ही कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके भाग्य की दिशा है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। इस दिशा में दीपावली पर दीपक जरूर जलाएं, पूरी रात जलाएं, होगा भाग्योदय। साथ ही लक्ष्मी पूजन के बाद आपने पूरे घर में हर कमरे में शंख और घंटी बजानी है, इससे सारी नेगेटिविटी आपके घर की दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में केतु ग्रह का गोचर है जो मेंटल डिप्रेशन की ओर इशारा कर रहा है। सेहत का ध्यान रखें तभी धन का भोग ले पाएंगे आप। बिजनेस में पार्टनरशिप टूट सकती है, दे एहतियात। धन की स्थिति लेकिन आपकी स्टेबल नजर आ रही है, इसलिए चिंता में ना आए आप। आने वाले साल में नया घर या दफ्तर या वाहन ले सकते हैं। व्यवसाय में किसी का सपोर्ट किसी के पहचान आएगी आपके काम। वर्क फ्रंट को लेकर अगले साल में आपकी स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। आपके भाग्य की दिशा है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा
और धन की दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा। दोनों दिशाओं में दीपावली पर पूरी रात दीप जलाएं, धन में वृद्धि होगी और भाग्योदय भी होगा आपका। साथ ही दीपावली पर आपने लक्ष्मी पूजन के समय पीली कौड़ियां, कारी शैल जिन्हें कहते हैं, वो पूजन में रखनी है। इससे आपकी धन संबंधित परेशानी दूर होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नंदिता जी से टैरो कार्ड्स के मुताबिक आपके भविष्य का हाल। अब देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए देखें कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ में रिफ्लेक्शन, आपका कार्य क्षेत्र और आपके आर्थिक मामलों। आप अपने प्रेम संबंध में काफी कुछ सुकून प्राप्त करेंगे अपने साथी के सानिध्य में। एक बहुत अच्छी उत्तम स्थितियां आपके लिए बन रही हैं सिंह राशि वालों के लिए, और हो सकता है किसी धार्मिक कृत्य में भी शामिल हों। ये भी हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ शांत और एकांत समय व्यतीत करने का मन बनाएं। कार्यक्षेत्र की बात करूं तो महिलाओं का सहयोग आपको आपके कार्यक्षेत्र में काफी मिलेगा सिंह राशि वालों को, और यहाँ पे जितना आप अपना वोकल होंगे यानी कि जितना आप अपनी पीआर स्किल्स को यूज करेंगे उतनी ही बेहतर स्थितियां आपके लिए बनती जाएंगी। आर्थिक मामलों की अगर हम बात करें तो इस समय व्ययकारी स्थितियां बन रही हैं, काफी कुछ यहाँ पे व्यय होता हुआ दिखाई देता है। तो किसी भी शेयर में, सट्टे में इस समय बिल्कुल निवेश नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है, और जो ऑलरेडी आपके निवेश है उस तरफ भी खास ध्यान देने की आवश्यकता है। सगे संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ भी थोड़ा कष्टकारी स्थितियां रहेंगी। तो उपाय क्या रहेंगे कष्टकारी स्थितियों को निवारण के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए भगवान विष्णु की आराधना सबसे उत्तम रहेगी। इस समय विष्णु भगवान को आप केसर का चंदन एवं अश्वगंध का तिलक लगाएं और साथ ही साथ उन्हें सात बादाम भी चढ़ाएं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को सिंदूर आप चढ़ाएं, आपकी समस्त जितनी भी परेशानियां इस समय चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए कैसी रहेंगी स्थितियां, तो आपके लिए इस समय एक बैलेंस बना के चलने वाला समय है। थोड़ा सा कठिन है डगर पनघट की, तो समय आपके लिए अनुरूप बनाने के लिए, प्रतिकूल से अनुकूल करने के लिए आपको अपनी तरफ से थोड़ा संयम बरतना होगा। कार्यक्षेत्र में जितना बातचीत द्वारा स्थितियों का सुधारेंगे उतना ही ज्यादा कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां उत्तम होती जाएंगी। आर्थिक मामलों की बात करूं तो इस समय सिचुएशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो रही हैं, बहुत मुश्किलात आ रही हैं, और इनफैक्ट भाई दूज तक का तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है आपके लिए। उसके बाद हालांकि धीरे धीरे आर्थिक मामलों में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आपको इस समय बहुत संयम के साथ काम करना है। एकदम से बिल्कुल विध्वंसकारी जो स्थितियां बनती हैं कार्यक्षेत्र में उस तरह की बन सकती हैं, तो संयम के द्वारा ही उसको सुधारें। यही कुछ मामला आपके प्रेम संबंध में भी दिखाई देता है। एंजाइटी बहुत रहेगी, बेचैनी रहेगी, और जिस वजह से आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेंगे, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या करना है, आपको गणपति जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं, साथ ही साथ हरी दुर्वा, 21 हरी दुर्वा चढ़ाएं, और माता महालक्ष्मी को साथ में कमल के फूल चढ़ाएं। अगर कमल के फूल ना मिले तो गुलाब के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत उत्तम स्थितियां बनाएगा, और साथ ही साथ ओम गण गणपते नमः का अगर आप जप करेंगे तो बहुत उत्तम स्थितियां बन जाएंगी और जीवन में सरलता आती जाएगी। तुला राशि वालों के लिए कैसी रहेगा आने वाला समय, तो आपके लिए प्रेम संबंध में बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं, सुकून आता जाएगा आपकी लव लाइफ में, और हो सकता है कि किसी बेहतर स्थान पे जाने की बात या वहाँ पे एक बदलाव की बात आपके दिमाग में आए। लेकिन कार्यक्षेत्र में इस समय अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा सा उनके साथ उनको पटा के रखें, उनके साथ एक तालमेल मिला के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर स्थितियाँ रहेंगी, अन्यथा आप कष्ट में आ सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में भी इस समय थोड़ा सा अवरोध आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर आर्थिक मामलों की बात करूं तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरती जाएंगी, बहुत मेजर बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में महीने डेढ़ महीने के बाद आपके लिए बहुत यहाँ पे सुधार आता दिखाई देता है।
आपके लिए क्या रहेगा उपाय? तो तुला राशि वालों के लिए इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में इस समय नीच के चल रहे हैं और भैया दूज के दिन ही जा करके वो आगे वृश्चिक राशि में जाएंगे और अपने लिए एक मित्र राशि में जाके प्रबल होंगे। लेकिन इस समय आपकी पूरी बॉडी की लैंग्वेज हो या आपकी पूरी स्ट्रेंथ हो, उसको भी वीक कर रहे हैं, दिमाग को भी वीक कर रहे हैं। तो इसे सशक्त बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और अगर ललिता सहस्त्र नाम नहीं हो पा रहा है आपसे, तो लक्ष्मी सूक्तम बहुत छोटा सा होता है, डेढ़ पन्ने का होता है, उसका पाठ करें। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक का लगातार करें और फिर 43 दिन तक का लगातार करेंगे तो विशेषकर बहुत शुभ फल प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें आपके लिए कैसा रहेगा समय आने वाला। तो आपके लिए कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव नजर आ रहे हैं। एक साझेदारी में कोई भी काम आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे और अच्छे फायदे लेकर के आएंगे। आपको काफ़ी सुकून भी प्राप्त होगा। कुछ अकेले ऑफिस रोमांस की भी चांसेस बन रही हैं, थोड़ा सा संभल के रहें। आर्थिक मामलों की अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक मामलों में आप काफ़ी रिलैक्स्ड होने वाले हैं, बहुत समय अनुकूल हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में डेढ़ दो महीने के पश्चात एकदम से अचानक से खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, अन्यथा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंध में आपको यथार्थवादी होना बहुत आवश्यक है। जितना प्रैक्टिकल होकर के निर्णय लेंगे उतना ही ज़्यादा सुकून में रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या रहेगा उपाय? तो आपके लिए ज़बरदस्त उपाय है कि तिल का तेल लें, उसको एक दिए में डालें और साथ में एक लौंग डालें और उसके बाद आप काली चौदस और हनुमान जी की जो पूजा होती है धनतेरस की रात्रि को, अर्धरात्रि के समय 11:59 से लेकर के 12:32 का जो समय है अर्धरात्रि का, उस वक्त में हनुमान जी की आरती करें, सुंदरकांड का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें, अत्यंत उत्तम स्थितियां रहेंगी। जितनी भी समस्त परेशानियां आपके जीवन से वो हटती जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का योग बनता जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। आपको राहु गवर्न करते हैं, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। कुछ लोग कहते हैं कि यूरेनस इसे गवर्न करते हैं, पर चलिए हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नंबर 4 की। आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स की तारीफ होती है, पर आप थोड़े थोड़े ब्लंट हैं, यानी कि स्पष्टवादी हैं। कोशिश कीजिए कि इस दिवाली सिर्फ मुस्कुराते रहें, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना पड़े या अपने आप की सफाई जो है वो ज़्यादा देने में इस वक्त को, स्पेशल टाइम को बर्बाद ना करें। पूजा में आपको कौन सी जिम्मेदारी निभानी है, किसी का ध्यान ना भटके, इस बात का खास ध्यान रखिए। अपने नंबर को एक्टिवेट कैसे करें? अगरबत्ती या धूप आप खुद जलाएं। इस दिन क्या स्पेशल उपाय करेंगे? माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय 4 गोमती चक्र और दुर्भा गणपति जी के नाम से लेकर इकट्ठे जो है वो लॉकर में रखें और कुछ अनाज अपनी किचन में भरकर रखें। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपको बुध जो है वो गवर्न करते हैं। आपका एलिमेंट है एयर। आप क्रिएटिव हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, पर पूजा में आपको क्या जिम्मेदारी लेनी है कि घर की साज सज्जा में आपको अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। जानती हूँ कि आपको तारीफ भी पसंद है, तो ये कॉलर्स अप का जो माहौल है ना, वो तभी बनेगा जब आप इस दिवाली और मेहनत करेंगे। अपने नंबर को एक्टिवेट कैसे करें? अपने बड़ों के पांव जरूर छूइए और उन्हें ये गुजारिश करके कहिए कि जब मैं आपके पांव छू रहा हूँ तो अपने हाथ से मेरे सिर पर आशीर्वाद दीजिए। आपका नंबर बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। स्पेशल उपाय क्या करें इस दिवाली? हरे रंग के फल या हरे पेठे की मिठाई पूजा में ज़रूर रखें। पूजा सम्पन्न होने पर इसे परिवार के साथ मिलकर खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ तो शुक्र ग्रह आपके मालिक हैं। आपका एलिमेंट है अर्थ। परफेक्शन हो, लग्जरी हो, सुंदरता हो, आपको इन सब चीज़ों के शौक हैं और आपको इन्हीं के लिए जाना जाता है। इस पूजा में क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? सब अच्छे से तैयार हों, सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार करें, क्योंकि दिवाली जो है ना वो किसी फंक्शन से कम तो नहीं है और हमने माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित किया है, तो क्यों ना सज धज कर उनका वेलकम किया जाए। स्पेशल उपाय क्या है? 2 हैं, नोट कर लीजिए। पहला,
कमल गट्टे की माला या कमल के फूल आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। पूजा के बाद अगले दिन जो कमल के फूल हैं उसे अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में या बुक्स में जो बच्चे हैं वो जरूर रख सकते हैं, आपके काम बन जाएंगे। अगर घर में किसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो ये उपाय जरूर करें। माँ को लाल अनार बहुत पसंद है तो इसलिए इस दिवाली माँ को लाल अनार उनके चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद जिनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी वो अनार उनकी गोद में रख दे, माँ उनकी गोद जल्दी भरेंगी। मीरा बताएंगी बाकी राशियों के बारे में और मैं बताऊंगी बाकी अंकों के बारे में। धनु राशि, केतु आपके 12वें भाव पर हैं और शनि धन स्थान पर है, यानी जरूरत से ज्यादा खर्चा होगा या अचानक अनसोचा खर्चा या नुकसान हो सकता है। धन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने वाली है, इसलिए धन के मामलों में चले पूरी प्लानिंग से और बचत से। राय यह है सेविंग्स को टच ना करें किसी भी खर्चे के लिए, धन बचा कर रखें, एक्स्ट्रावेगेंस से बचें। आने वाले समय में भाग्य देगा आपका साथ, काम बनेंगे, रुका हुआ कार्य आने वाले साल में शुरू हो सकता है। लिया हुआ या दिया हुआ कर्ज चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए कर्ज के चक्रों में ना पड़े आप। शारीरिक समस्याओं से भी आपने बचना है। आपकी भाग्य की दिशा है ईस्ट यानी पूर्व दिशा और धन की आपकी राशि के मुताबिक दिशा है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। इन दोनों दिशाओं में दीपावली पर आप अखंड दिया जलाएं, भाग्योदय होगा, धन में वृद्धि होगी। साथ ही आपने हल्दी से अपने मुख्य द्वार के बाहर शुभ लाभ लिखे और स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, होगा शुभ। और आपकी दीपावली की रात पे अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाएंगे तो और भी फायदेमंद होगा आपके लिए। मकर राशि, आपकी तो साढ़े सती चल रही है, पैसे की तंगी, काम में दिक्कत, संबंधों में परेशानी एवं स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत, ये इनमें से कुछ भी आपको सता सकता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए नजर आ रहे हैं, शेयर्स या अनकैलकुलेटेड निवेश से आपने दूर रहना है। अगले साल अप्रैल के बाद गुरु ग्रह आपके धन स्थान पर आकर थोड़ा रिलीफ आपको जरूर देंगे। आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सुधार आने की उम्मीद है अगर आप एक्स्ट्रा प्लानिंग से सूझबूझ के साथ आगे बढ़े। आपके भाग्य की दिशा है उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन, दीपावली पर इस दिशा में दिया जरूर जलाएं, होगा भाग्य होते। साथ ही वेस्ट पश्चिम दिशा में जो आपके धन की दिशा है वहां पर आपने दिया जलाना है तेल का और उसमें लौंग डालनी है और लौंग डालते हुए हनुमान जी की आरती करनी है। ऐसा करने से धन की जो भी दिक्कत है वो आपकी दूर हो जाएगी। एक उपाय आपके लिए और है, क्योंकि आपकी साढ़े सती चल रही है, पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाएं, इससे साढ़े सती का दोष दूर होता है। बारी आती है कुंभ राशि की। आपके दशम भाव में केतु का गोचर है जो इशारा कर रहा है आपके काम में कमी आई है या आएगी। प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन आने वाले साल में गुरु ग्रह आपकी राशि पर आ जाएंगे जिससे जीवन में आपके वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। अप्रैल 2021 के बाद सही रास्ता दिखेगा आपको, मुश्किलों का हल मिल जाएगा। नए साल में विवाह के योग भी बन रहे हैं। आपके भाग्य की दिशा है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा और धन की दिशा है आपकी राशि के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा। इन दोनों दिशाओं में दीपावली पर आप घी का दीपक जरूर जलाएं पूरी रात, होगा धन वृद्धि के लिए सहायक और होगा आपका भाग्योदय। साथ ही आपने लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ लेनी है और उसे पूजन में रखना है। पूजा के बाद उसे पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, धन के ड्रॉअर में या अलमीरा में रखें, आपके लिए धन लाभ में होगा सहायक। और आपको एक चीज और बताई जाती है कि आपके लिए शीर यंत्र का पूजन करना रोज धन संबंधित परेशानी को दूर कर देगा। बारी आती है आखिरी राशि यानी मीन राशि की। आपकी आय स्थान पर शनि और भाग्य स्थान पर केतु बताते हैं आय में कटौती चल रही है या हो सकता है प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, पेमेंट्स अटक रही हैं या फिर लीगल कोई झमेला हो सकता है। आने वाले समय में, आने वाले साल में
दिया हुआ कर्ज या लिया हुआ कर्ज, उसकी जो भी चिंता चल रही थी ना, वो दूर हो जाएगी। दुश्मन पर भी आप भारी पड़ने वाले हैं। खर्च खूब करेंगे आप अगले वर्ष, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन खर्चों के लिए आपको धन पूरा पड़ेगा। आपके भाग्य और धन की दिशा है साउथ यानी दक्षिण दिशा। इस दिशा में दीपावली पर दिया जरूर जलाएं, लक्ष्मी पूजन के समय मोली पर हल्दी लगाकर उसे पूजन के समय लक्ष्मी जी के चरणों में रखें और फिर पूजन के पश्चात अपने हाथ पर बांध लें। साथ ही लाल या पीले पुष्पों का पूजा में इस्तेमाल जरूर करें, लक्ष्मी वृद्धि के लिए और भाग्योदय के लिए होगा शुभ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नंदिता जी से टैरो कार्ड्स के मुताबिक आपके भविष्य का हाल। देखते हैं टैरो कार्ड्स में धनु राशि के लिए क्या है इस दीपावली में। धनु राशि वालों के लिए कैसी रहेंगी स्थितियां, तो आपके लिए जो बन रही हैं कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थितियां। कार्य क्षेत्र में प्रबल संयोग बन रहे हैं, एक नई रिस्पांसिबिलिटी आपको मिल सकती है धनु राशि वालों को। साथ में आप अपने जूनियर्स के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए भी बड़ा रिस्पांसिबल फील करेंगे और हो सकता है कि उनके भी भविष्य के लिए कुछ एक अच्छे ठोस निर्णय लें जिससे सबको खुशियां प्राप्त हों। तो इस समय आप खुशी तो आपको प्राप्त हो रही है, आप खुशियां भी काफ़ी बांट रहे हैं। वहीं पे आपके आर्थिक मामलों में देखें तो कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स इस समय आपको मिल सकते हैं। छोटे मोटे धन से संबंधित शुभ संयोग बन रहे हैं, बहुत मेजर नहीं लेकिन थोड़े बहुत बन रहे हैं और जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। प्रेम संबंध में अच्छा सुकून रहेगा, कोई अच्छी खबर मिल सकती है और समय रोमांटिक बीतने वाला है। आपके लिए क्या रहेगा उपाय, तो धनु राशि वालों को बहुत एक जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही प्रबल ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है। आपने क्या करना है, आपने 7 कौड़ियाँ लेनी है और साथ ही साथ उसके साथ 5 गोमती चक्र लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लीजिए एक चांदी की डिब्बी में, उनको डाल करके आपने धनतेरस से लेकर के फिर आपने भैया दूज तक उसकी पूजा करनी है। पूजा के बाद आपने पहले एक लेयर येलो कपड़े की डालनी है, उसके नीचे लाल कपड़े की, यानी कि पहले लाल कपड़े की लेयर डालें, फिर येलो कपड़े की लेयर डालें, फिर उसमें इस चांदी की डिब्बी को रखें और ओम श्रीम श्रीये नमः करके इस पूरी पोटली को बनाएं। फिर इस पोटली को अपने सेफ में या जहां आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पे इसे रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बनती जाएंगी और सुख समृद्धि के योग बनेंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेंगी स्थितियाँ। मकर राशि वालों के लिए इस समय प्रेम संबंध में सुकून तो आएगा लेकिन फिर भी एक खलिश सी रहेगी कि थोड़ा सा और होता तो बेहतर होता। हालांकि स्थितियां जो हैं थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा आपके लिए यहाँ पे संयोग बना रही हैं, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या आर्थिक मामले। आर्थिक मामलों में आप एक ही दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं जिस वजह से आपके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे अवरोध से आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे टैरो गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक बहुआयामी सोच के साथ, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ अगर अपने निवेशों को देखेंगे तो आपके लिए बहुत यहाँ पे फायदेमंद स्थितियाँ तैरती हुई दिखाई देंगी जिनको आप ट्रैप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक वाइडर एंगल के साथ आपको यहाँ पे अप्रोच रखना चाहिए और उसी के साथ साथ कार्य क्षेत्र में संयम की ज़रूरत है। पितृतुल्य कोई भी व्यक्ति है उनका आदर सत्कार करें क्योंकि उनके साथ हो सकता है टकरार की स्थितियां जिसकी वजह से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंध हमने बताया था सुकून भरे रहेंगे और आपके लिए क्या रहेगा उपाय। मकर राशि वालों को क्योंकि अभी गुरु फिर नीच के होने जा रहे हैं मकर राशि में, हालांकि नीच भंग योग है फिर भी जब भी गुरु होते हैं अबंडेंस के कारक और व्यापकता के कारक, तो वो जब वो नीच के हो जाते हैं तो नज़र लगने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। आपने नज़र दोष को हटाने के लिए क्या करना है, 4 गोमती चक्र लेना है, धनतेरस से लेके भाई दूज तक का उसे रखना है, उसमें सिंदूर आदि चढ़ा के पूजा अर्चना करनी है, फिर भाई दूज वाले दिन आपने किसी भी चौराहे पे जाना है और उस गोमती चक्र चारों को, एक को जैसे पीछे डाला एक आगे, चारों दिशाओं में डाल करके वापस घर आना है। जब आप वापस घर आएंगे तो पीछे मुड़ करके उस चक्र को नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को हटा रहा है और आपके साथ केवल सकारात्मक ऊर्जा वापस आ रही है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए देखें कैसी रहेंगी स्थितियां। तो कुंभ राशि वालों के लिए आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में क्या रिफ्लेक्शन आएंगे और आर्थिक मामले। तो कार्य क्षेत्र में तो सेलिब्रेशंस के योग बन रहे हैं, पार्टी मूड में रहेंगे,
अपने कॉलिग्स के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे शुभ स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इमीडिएट आपके भाग्य में भी डेंट आ रहा है और थोड़ा एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है वाणी से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ कष्ट एकदम से आपके सामने आ जाए। कोविड का समय है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काढ़ा पीजिए या फिर स्टीम आदि लीजिए ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईएनटी सिस्टम स्ट्रांग रहे। आर्थिक मामलों में भी व्यय इस समय अधिक हो सकता है आपके लिए, आपको यहाँ पे सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आपके लिए प्रेम संबंध में शनि शनि रोमांस पदार्पण कर रहा है, समय अनुकूल होता जाएगा और स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए क्या रहेगा उपाय, तो आपने माता लक्ष्मी को इत्र चढ़ाना है और साथ में गुलाबी रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी है। आप धनतेरस के दिन से चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना करें उनको या श्रृंगार का सामान किसी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाके दें। लेकिन जब भी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के सामान दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो साथ में नारायण के लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाया जाता है। तो पीले रंग के वस्त्र या फिर केला या फिर बेसन के लड्डू या फिर बादाम आप नारायण को अवश्य चढ़ाएं।